तो गाइस यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप धूप में निकलने से पहले कुछ ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हो, धूप में निकलने से पहले आप कुछ ऐसी प्रिकॉशन नहीं करते हो जिसके कारण से आपके चेहरे का हाल भी कुछ ऐसा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने धूप में निकलने से पहले कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हो, प्रिकॉशन नहीं करते हो, जिसके रीज़न से आपका भी चेहरे का हाल कुछ ऐसा होने वाला है। और हाँ, अभी तक आपका चेहरा बिल्कुल सही सलामत है, कुछ भी आपके चेहरे पर रिएक्शन नहीं हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो। लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, बिकॉज सनरे हमारे स्किन को बहुत तेजी से डैमेज करती है। और हाँ, आप अगर चाहते हो कि हमारे भी चेहरा का हाल ऐसा ना हो, हमारी स्किन ऐसी भद्दी ना दिखे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने आपको 3 स्टेप में बताया। 3 स्टेप आपको जब तक समर चल रही है, गर्मी चल रही है, तब तक आप उसे डेली यूज करें, डेली उसे फॉलो करें, आप उसे प्रिकॉशन में ऐड कीजिए, ताकि आपके चेहरे का हाल बिल्कुल भी ऐसा ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की जैसे आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस भाई के चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार इस भाई को देख रहे हो, तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपने भाई की फैमिली का सब बन जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, सबसे पहली गलती मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत लोग क्या करते हैं धूप में निकलने से पहले घर पे ही अपने चेहरे को किसी भी साबुन से या किसी भी फेस वॉश से वॉश करके निकलते हैं अपने डेली रूटीन में, जब भी वो धूप में निकलते। तो आप भी दोस्तों, आपकी ही बात करो, आप डेली साबुन से या किसी फेस वॉश से आप वॉश करके अपने चेहरे को धूप में निकलते हो, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर आप कहते हो कि मेरे भाई पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे रेडनेस आ गई, लाल लाल मेरा चेहरा क्यों पड़ने लगा है, इन्हीं रीजन की वजह से ही पड़ने लगता है। अगर आप देखिए, खास करके सुन लीजिए दोस्तों, अगर आप फेस वॉश और साबुन का यूज करके बाहर निकलते, तो हमारे स्किन के, फेस के स्किन के अंदर पोर्स में उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो एंटीसेप्टिक उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमारे पोर्स के अंदर वो चले जाते हैं। अगर आप घर पे रहते तो आपको बहुत बेनिफिट देंगे, लेकिन आप उससे ही अगर डायरेक्ट धूप में निकल जाते, सन रे आपके डायरेक्ट स्किन पर पड़ती है, तो आपकी स्किन की लेयर को वो तोड़ देती है, डैमेज कर देती है, जिसके रीजन से आपके चेहरे पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पिंपल्स आ जाते हैं, एंड देन उसके बाद में एक्ने पड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा उसका इलाज भी कराते हो, लेकिन आपका बिल्कुल भी उसमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो पहले से या प्रिकॉशन करें ना, कि आपको धूप में निकलने से पहले आप ध्यान रखिए कि कभी भी फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल करके ना निकलिए भाई, आप नॉर्मल वॉश पानी से कर लीजिए, एंड देन उसके बाद बाहर निकलिए। हाँ भाई, खास करके ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में आपको घर पे से निकलने से पहले आप चेहरे को वॉश तो नहीं कर सकते किसी भी साबुन या फेस वॉश की मदद से, लेकिन हाँ, कोई एक छोटी सी सिल्ली, बर्फ की सिल्ली लीजिए, अपने चेहरे पे उसे हल्का हल्के रफ कीजिए। बस अगर आपको टाइम नहीं है, टाइम की कमी है आपके पास में, तो ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी लेके अपने चेहरे को उससे वॉश कीजिए, ना कि किसी भी साबुन या फेस वॉश की मदद से। बस ठंडे पानी से या गर्म सिल्ली की ठंडी बर्फ से आप अपने फेस को आसानी से वॉश करके निकलिए बाहर। इससे क्या होगा, आपके चेहरे के पोर्स वहाँ से बंद हो जाएंगे, पोर्स वहाँ से बंद होने की वजह से तीसरा स्टेप भी मैं इसके साथ में ही ऐड करना चाहता हूँ। तीसरे स्टेप में आपको कोई भी सन लोशन या किसी भी अच्छी कंपनी की सन क्रीम का इस्तेमाल करना होगा। हाँ जी दोस्तों, सन क्रीम क्या करती है, हमारे स्किन को डैमेज होने से रोकती है, हमारे स्किन को डैमेज होने से बिल्कुल बचाती है। इसलिए आपको बाहर निकलने से पहले आप ठंडे वॉश पानी से ठंडे वॉश कर लीजिए, उसके बाद आपके पोर्स वहाँ से बंद हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद में आपको सनस्क्रीन होती है, उससे सन लोशन आप अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, किसी भी पार्ट पे उसे अप्लाई करके ही निकलिए बाहर। अगर आप ज़्यादा धूप में निकल रहे हो तो भाई आप इसे अप्लाई ज़रूर करके निकलिए, नहीं तो आपका भी हाल ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इस भाई ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, इस भाई के भाई इतनी हालत ख़राब थी फेस की, जैसे आप देख ही सकते हो, मैंने इसे बस जस्ट ये 3 स्टेप बताए, ये भाई ने 1 महीने तक 3 स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो किया, जिसके कारण से इस भाई का चेहरा बिल्कुल क्लीन हो चुका, जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसलिए दोस्तों आप धूप में निकलने से पहले से ही प्रिकॉशन कीजिए कि आपके चेहरे पे किसी तरह का हार्मफुल अटैक देखने को ना मिले। इसलिए दोस्तों खास करके 3 स्टेप को अपने डेली रूटीन में ऐड करिए जब तक गर्मी की सीजन चल रही है, बिकॉज जो सनरे होती है हमारे स्किन की लेयर को पूरी तरह से डैमेज कर देती है, डैमेज करने की वजह से रेडनेस, पिंपल्स, एक्ने वगैरह वगैरह जैसे इन्फेक्शन भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की जानकारी अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि आपका भाई अलग अलग तरह के टॉपिक पे बहुत खास जानकारी इकट्ठी करके आपके लिए लाता रहता है। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहे, तो भाई नीचे चैनल के जो नीचे रेड कलर का बटन देख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, और वीडियो को आ गए यहाँ तक, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।